So hello everyone and I hope you you all are Are very very excited excited? today. Well से कितने लोगों ने अपने घर से चिल्लाया हूँ आप सब है and आज का जो ट्रेनिंग है because see network marketing एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है मुझे लिटरली ऐसा फील होता है जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हैं सबके पास एक सपना है एक सपना लेके सब चल रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो लोग इस इंडस्ट्री से सक्सेसफुल हो चुके हैं उनका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि जो आदमी आज शुरू कर रहा है उसे डायरेक्शन दी जाए अगर आज आप सब लोग इस इंडस्ट्री में अपने कदम रख रहे हैं तो आपको एक राइट डायरेक्शन देना हमारा फर्ज है सो so, आज आपकी कंपनी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को एक Uh, कह सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन मिले कुछ यूनिक कंटेंट मिले कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे आप लोग एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आग लगा सकते हैं अब जो आज का ट्रेनिंग है इसमें हम सेवन स्ट्रेटीज डिस्कस करने वाले सात ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक अल्टीमेट सक्सेस दिला सकती है सो so अभी मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाला हूं आप सबके साथ एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ वी आर गोइंग टू टॉप अबाउट सेवन principles. सात ऐसे प्रिंसिपल जिन्हें फॉलो करके आपको इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अल्टीमेट सक्सेस मिल सकती है आप अपने बिजनेस के अंदर एक एक्सप्लोजन लेकर आ सकते हैं मेरा मतलब क्या है कि धमाका करना अब मुझे खुद ऐसा फील होता है क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम कोई भी काम करें तो उसे इस लेवल पर करें कि हम आग लगा दें या तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाओ या बिल्कुल ही इन्वॉल्व मत हो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है सी आई डू नॉट केयर लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद इस बिजनेस में काम करने के बाद एक इंसान ऐसा फील करता है कि भैया इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है मेरे अपलाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी और जब तक इंसान ज्वाइन नहीं करता वो सोचता है पता नहीं मार्केटिंग कैसा बिजनेस होगा मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी कोई फलाना उसके बारे में क्या बोल रहा था इंटरनेट पे हमने कुछ देखा था तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले इंसान के अंदर हजार डाउट हो सकते हैं बट जब वो इस बिजनेस के अंदर आ जाता है वो इस बिजनेस को खुद एक्सपीरियंस करता है उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है वो फील करना

कि हमें जो सक्सेस चाहिए जो कामयाबी चाहिए हमें जिंदगी में जितना कुछ हम सोच सकते हैं वो सब हमें इस बिजनेस से मिल सकता है हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं तो जरा सोचिए आज अगर आप किसी इंसान को इस बिजनेस में रिक्रूट करेंगे वो क्या सोचे? वो वो क्या सोचेगा ये कि मुझे इस बिजनेस के अंदर जो इंसान लेकर आया है उसने मेरे साथ गलत किया अच्छा किया वो डेफिनेटली ये सोचने वाला उसने मेरे साथ अच्छा किया तो वाई नॉट यू डू द सेम जस्ट जस्ट गिव प्लीज आई स्टार्ट दिस से But I just need a second. Wait for a while. Just give me a second, everybody. I need to start something. I'll continue from here. All right. It's going on. Perfect. so 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 I just wanted few options and they will be live here here wait Perfect. So, let's continue from here only so, जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था कि हमें फील होता है ग्रेटिट्यूड कि जिस इंसान ने हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया तो जरा सोचिए जब आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे जब आप लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे वो आपके बारे में क्या सोचेंगे क्या वो ये सोचेंगे कि हमें फंसा दिया या वो ये सोचेंगे ये इंसान ने हमारी जिंदगी बदल दी अगर वो ऐसा सोचने वाले हैं तो आप देरी किस चीज की कर रहे हो सो लेट लेटर स्टार्ट टूडे ट्रेनिंग जिससे आपका बिजनेस अब एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और जो सेवन प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे सो द नंबर वन प्रिंसिपल जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए ये जो प्रिंसिपल है इनसे आपको बहुत टाइम बचने वाला है एंड आप स्ट्रेट अवे उस काम के ऊपर फोकस करने वाले हो जो आपके लिए जरूरी है एंड हमारा पहला प्रिंसिपल यही कहता है जिसका नाम है परीटो प्रिंसिपल अब ये परीटो प्रिंसिपल है क्या इसे 80 -20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं 80 -20 प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो हर एरिया ऑफ लाइफ में बीस परसेंट ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे अस्सी परसेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं मतलब हमारे सिर्फ बीस परसेंट ऐसे काम है जिससे हमारे पास अस्सी परसेंट पैसा आ रहा है हमारे पास 20 परसेंट ऐसे एक्शन हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी है हमारे 20 परसेंट ऐसी एक्टिविटीज uh, हैं या हमारे ऐसे कर्म है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और 20 परसेंट ही ऐसी एक्टिविटीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे आपको 80 परसेंट सक्सेस मिलती है मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वट एव डूइंग उसमें से बीस ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएंगी और बाकी की अस्सी में बेकार है क्योंकि उनसे सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं तो अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए यू यू मैं तेजी से सक्सेस को करूं सो टू अंडरस्टैंड ऑफ़ द एक्टिविटीज और ऐसे वो जो काम है और वो काम क्या है अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं देखिए लोग uh, बीस परसेंट ऐसे हैं जो लगातार कमिट कर रहे हैं 80 परसेंट क्राइम्स वो लोग कर रहे हैं 20 परसेंट ऐसे ड्राइवर्स हैं जो गलत गाड़ी चलाते हैं जिससे 80 परसेंट एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड अगर हम बात करें ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से अस्सी परसेंट हो रहा है एनवायरमेंट में और 20 परसेंट ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर भी आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट so अगर आपके पास मल्टीपल so प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं जो सेल है बीस परसेंट ऐसे प्रोडक्ट्स की ज्यादा आती है मतलब 80 परसेंट तक आती है और बाकी प्रोडक्ट्स की सेल सिर्फ 20 परसेंट आती है तो हमारा फोकस होना चाहिए उन 20 परसेंट एक्टिविटीज पे या 20 20 प्रोडक्ट्स पे या ट्वेंटी अब नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे काम करता है समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तीन ऐसे एम वी तीन ऐसी एक्टिविटीज है जिससे आपको एट्टी परसेंट रिजल्ट मिलने वाले मतलब तीन ऐसे कौन से काम है इन्हें समझते हैं इन्हें या तो आप थ्री पिलर्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या मैं इन्हें बोलता हूं एम वी MVP का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी आई डोट नॉट नो आप जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपके पास अपना पैड एंड पेन है या नहीं है बट मेरे पास है मतलब अगर मुझे भी कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसे नोट करने के लिए रेडी हूं क्या आप रेडी हो इफ नॉट तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे इस ट्रेनिंग से आई वॉन्ट आप इमीडिएटली पेन और पैड के साथ बैठे बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न उसे आप मिस ना करें बाद में रिकॉल करने में भी इजी रहेगा

और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप रिक्रूटमेंट मत करो आप रिक्रूटमेंट मत करो आप जो करते हो वो करते रहो प्रोडेमोस करते रहो आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करते रहो आप अपनी टीम से बात करते रहो कि तुम क्यों काम नहीं कर रहे आप जितने मर्जी काम कर लो आप सिर्फ किताबें पढ़ते रहो आप इस तरीके की ट्रेनिंग देखते रहो बट उसके बावजूद भी अगर आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे मेरा चैलेंज है आपका कोई भी नया लेवल अचीव ही नहीं होगा आपको वो सक्सेस मिलेगी ही नहीं जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी आपकी टीम में आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते आप प्रोडक्ट रिटेल कर करके करके कर करके अपने चेक को स्टेबल कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते नेक्स्ट लेवल पर जाना है नए डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने पड़ेंगे आपको अपने लेग्स को स्प्रेड करना ही पड़ेगा उन्हें ओपन करना ही पड़ेगा टिल द टाइम यू विल नॉट डू दैट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो रिक्रूटमेंट जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम करते क्यों नहीं क्यों नहीं करते हैं? इसे समझते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट करना ध्यान से सुनना रिक्रूटमेंट करना हमें बोरिंग लगता है और हमें मुश्किल लगता है आप देखिएगा जिन लोगों ने स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट करी उनकी टीम ने काम करना शुरू किया अब वो आराम से बैठे आराम कर रहे कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे हैं हमारी टीम काम करेगी और हमें चेक आते रहेंगे अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए वो सोच भी नहीं रहे क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं एंड ऐसे लोगों से ना आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है और ऐसे लोग जो कंफर्ट जोन में है वो भी आपके दुश्मन है आपको हमेशा ग्रो करना है बिकॉज अगर आप ग्रो नहीं करोगे मैं आगे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप मर रहे हो तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा बट मैं आपको बता रहा हूँ रिक्रूटमेंट एक्टिव होनी चाहिए आपको पता आपकी टीम को सबसे सब ज्यादा मोटिवेट क्या करता है अब वो क्या लगता है आपकी टीम को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या सबसे ज्यादा आपकी टीम को मेरी ट्रेनिंग नहीं करेगी पुष्कर सबसे ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगी आपके कंपनी के चेयरमैन या सीईओ भी न, भी स्पीच देंगे ना वो मोटिवेट मोटिवेट नहीं करेगा उतना आपको पता है मोटिवेट क्या करेगा मोटिवेट करेगा जब आप सेमिनार्स के अंदर और वेबिनार्स के अंदर नए लोगों को लेकर आ रहे हो ना आप और आपकी डाउनलाइन देख रही होगी कि हमारा जो लीडर है वो नए लोगों को लगातार लेकर आ रहा है रिक्रूट कर रहा है जोड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहा है लीडर्स बना रहा है तो वो अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी काम करना शुरू कर देंगे और और आप पीछे से कितना ही जोर लगा लो और बोलो मैं तो 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 नहीं करूंगा मैं तो मैं तो so मैं बॉस हूं हूं भाई सो कॉल्ड लीडर तुम्हार को गाइड करूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे काम करना है तुम करो तो आप देखना ऐसे लोगों की टीम काम नहीं करती वाई बिकॉज लीडर काम नहीं करता लीडर का काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी मंकी सी मंकी डू बंदर बंदर को देख के काम करता है अब इंसान तो बंदर से बहुत ज्यादा एडवांस है वो बिना देखे करते ही नहीं है हम ह्यूमन ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस से सीखते हैं क्या होता है कि साथ में रह के हमें अपने आप जो फीलिंग्स हैं जो नॉलेज है जो इमोशन है, है और जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऐसे लोगों की हम संगत में रहेंगे जो काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे और ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे जो आलसी हैं तो हम भी हो जाएंगे अब अपलाइन सोचो अगर वो आलसी हो गया और उसने रिक्रूटमेंट बंद कर दी तो क्या होगा तो ग्लो नहीं करेंगे। अब यह फॉलो अप होता क्या follow -up का बड़ा सिंबल सा मतलब है फोन उठाना और कॉल करना किसे एक तो उस इंसान को जिसे आपने प्रोस्पेक्ट किया मतलब जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया और दूसरा जो आप लोग मुझे नहीं पता करते हैं नहीं करते करते हो तो आपके रहे नहीं करते तो गलत समझ रहे हो टीम में कॉल किसे करना है, ये भी बहुत जरूरी है ना सिर्फ उसे जिसे आपने रिक्रूट किया, आपको उन लोगों को कॉल करना है जो आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन के नीचे भी काम कर रहे हैं मतलब जो आपकी डेप्थ के अंदर लोग हैं, जाते हैं। से उनको रिमाइंड हो जाता है नहीं हमें और एफर्ट डालने हैं क्योंकि आपका फोन आया बट अगर आप फोन नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो आप एक्चुअल में अपने साथ ही काम खराब कर रहे हो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो मैं आपको ये रियल एग्जाम्पल देना चाहूंगा जब मैं एक्टिवली काम करता था फील्ड पे तकरीबन सात आठ साल हो गए होंगे इस बात को सात साल हो गए होंगे अप्रॉक्सिमेटली उस टाइम पे मान लीजिए मुझे एक मीटिंग देने एक घंटे दूर जाना अपने घर से तो उस एक घंटे का टाइम मैं बिल्कुल मिस नहीं करता था उस एक घंटे में मेरे पास सिर्फ दो काम होते थे या तो मुझे फोन घुमाना और घुमाते ही रहना मतलब या तो उस प्रोस्पेक्ट को फोन घुमाऊंगा जिसे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी या फिर मैं उस इंसान को फोन घुमाऊंगा जो मेरे दिमाग में आ गया जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है कि आज मुझे बात करनी है और वो नाम लिखना आगे हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के ऊपर तो आपको समझ आएगा माइंड मैपिंग क्या होती है आपको पता होगा कि बात भी किससे करनी है सो so, ये भी लोगों को नहीं पता होता तो माइंड मैपिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं बट वट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज की आपका जो फोन है ना वो लगातार चलना चाहिए और गर्लफ्रेंड से बात करने में नहीं रिश्तेदारों से बात करने में नहीं रिश्तेदारों से बात कर सकते हो इफ यू आर मेकिंग देम जॉइन इन नेटवर्क मार्केटिंग अदरवाइज उन लोगों से जिन्हें आपने प्रोस्पेक्ट किया या फिर वो कहते हैं ना भागते हुए घोड़े ढूंढो और उन पर काम करो तो नीचे काम करना आप कुछ ऐसे डाउनलाइन होते हैं आपने हमारे नीचे किस क्यों बात करी ऐसा कौन बोलेगा ऐसा कौन बोलेगा ऐसा, बोले ऐसा वही बोलेगा जो आपको देखेगा कि यार आप तो काम करते नहीं हो और आप मेरे लोगों को काम करके हो सकता है खराब कर दो बट आप सोचिए अगर आप काम कर रहे हो आपके चेक सारे लगातार तो आपका जो डायरेक्ट डाउनलाइन भी है ना वो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा जब आपके नीचे के नीचे के लोगों को आप कॉल कर रहे हो तो सामने वाला क्या सोचेगा यार हमारा जो लीडर है ना वो रियल लीडर है। वो रियल लीडर है क्योंकि वो नीचे काम कर रहा है उससे बातें नहीं कर रहा वो सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग भाषणबाजी करते हैं काम बहुत कम लोग करते हैं बट अगर आपको काम करना है तो फॉलो बहुत जरूरी है अब आप अपनी टीम से अगर यही पूछ लेते हो कि इस महीने की प्लानिंग क्या आपकी इस हफ्ते आप क्या एक्टिविटीज करने वाले हो आपको पता है आपकी सिंपल कॉन्वर्सेशन से आपका बिजनेस एक्चुअल में एक ना लीप लेने वाला है है लीप का मतलब होता जंप और जब जंप आएगी ना आपके चेक में जंप आएगी आपकी जो खुशी होगी वो आपके चेहरे पे अलग ही दिखेगी और आपकी टीम में वो ट्रांसफर होगी क्योंकि ऑस्मोसिस आप समझिए ट्रांसफर होती है फीलिंग्स और जब आपकी टीम में वो फीलिंग्स ट्रांसफर होंगी सी मनी इज ऑल्सो द एनर्जी और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है हमेशा चलती रहती है रुकती नहीं कभी एनर्जी तो जब वो टीम में ट्रांसफर होगी टीम के बीच आएंगे तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना ये लोग समझते नहीं है बट आज अगर आप समझ रहे हो और इस पर आपने इंप्लीमेंट कर दिया यू विल सी द रिजल्ट में इसे कहावत बोल लो क्योंकि मैं इसे काफी सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं इस कहावत को बोलते हैं द पर्सन विद द मार्कर अर्न पर्सन विद द मार्कर अर्न द मोस्ट मतलब ये है कि जिस इंसान के हाथ में मार्कर है मैं मार्कर ही ले लेता हूँ आई हैव है मार्कर So, the person with the market, जो मार्कर है ना वाइट बोर्ड मार्कर इस वाइट बोर्ड मार्कर ने सबसे ज्यादा अगर आपको विश्वास नहीं होता अपने अपलाइन से पूछ लो कि इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत बीस रुपए नहीं है बीस लाख रुपए भी नहीं है इसकी कीमत वो है जो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते अर्न करने वाले इस मार्कर को अगर आपने हाथ में लेना सीख लिया और आप बोर्ड पर आके इस मार्कर के साथ ट्रेनिंग देना आपने शुरू कर दिया आई एम टेलिंग यू आपके तो चेक्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे आपकी टीम भी देख के मोटिवेट होगी और ये ये जो जो मैंने आपको पे प्रिंसिपल दिया ये जो कहावत बोली कि वो इंसान सबसे ज्यादा कमाता है ग्रुप के अंदर जिसके हाथ में मार्कर होता है अगर आप मार्कर अपने हाथ में लेना शुरू कर दोगे इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेनर बन गए आपने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया आप सबसे ज्यादा कमा रहे हो उस पूरे ग्रुप के अंदर आपकी कंप्लीट जितना भी आपका साम्राज्य फैला हुआ है उसके अंदर जो इंसान ट्रेनिंग दे रहा है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है तो आप देखो कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो आप ट्रेनिंग से दूर भाग रहे हो लोग दूर भागते हैं ट्रेनिंग से क्यों भागते हैं ट्रेनिंग से दूर क्योंकि उन्हें डर लगता है पर आपको पता है डर इंसान का तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता मैंने अभी रिसेंटली पैराग्लाइडिंग कर तो पैराग्लाइडिंग करते हुए मैं पूरी फैमिली को ले गया अब उसमें मेरी मदर भी गई स्टार्टिंग में मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूंगी मैं देख रही हूं और मुझे बड़ा डर लग रहा है तो देख के तो डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है तो उन्होंने साफ मना कर दिया अब सबसे पहले जो मेरा छोटा भाई है उसने पैराग्लाइडिंग करी उनका थोड़ा सा डर खुला देखते हो फिर मेरी सिस्टर गई उनका डर और खुला फिर मैं गया उनका डर और खुल गया जब मैं वापस आया मैंने कहा मम्मी आओ उनका डर इतना खुल गया था कि कम से कम वो वहां पे आके खड़ी हो गई जिस पहाड़ी से कूदना था आप पैराग्लाइडिंग समझते हो पहाड़ी से कूदना होता है ऊपर तो हो हो exactly जंप मार दी क्योंकि तीन लोगों को देख लिया करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है लोग देखते हैं जब वो सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो उन लगता है हाँ यार अब तो हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए पर आपको अपनी सक्सेस को दिखाना पड़ेगा तो वो फियर कब हटा जब उन्होंने देखा और उसके बाद उसे एक्सपीरियंस किया अब एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी मदर ने सिर्फ पांच मिनट की पैराग्लाइडिंग करी उसके बाद आधे घंटे वाला भी स्लॉट था कि आधे घंटे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हो नाउ माय मॉम वाज सो एक्साइटेड कि वो आधे घंटे वाली पैराग्लाइडिंग के लिए भी जा सकती है आप समझ रहे हो जब इंसान ट्रेनिंग देना शुरू करता उसमें बड़ा डर लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे पता नहीं मैं कैसा बोल जाऊंगा मैं अच्छा बोलूंगा बुरा बोलूंगा पर आपने देखा होगा एक बार जब ये बोलने का चस्का चढ़ता है लीडर्स इस बात से बड़ा समझ रहे होंगे मेरी बात से अः कि जब आप नए नए लोगों को सिखाते हो उन्हें मौका देते हो स्टेज पे बोलने का पहले उन्हें डर लगता है बाद में जब वो बोल के चले जाते हैं तालियां बजती हैं अगली बार वो इंसान माइक ही नहीं छोड़ता वो कहेगा मेरे को और बोलना है क्यों बोलना है भाई क्योंकि अब मजा आ रहा है डर खत्म हो गया अब आपको ये समझना है कि आपको अपनी टीम में ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने ट्रेनर्स प्रोड्यूस हो गए इज गोइंग टू हैपन एक लीडर लीडर प्रोड्यूस करता है ट्रेनर ट्रेनर्स प्रोड्यूस करता है

आपका बिजनेस और आपका चेक और आपका टीम साइज बढ़ता चला जाएगा आपकी आंखों के सामने एंड फिर आपको मजा आएगा बट इस मजे को लेने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है इन तीन चीजों के ऊपर अब ट्रेनिंग देनी किस चीज की किस चीज की ट्रेनिंग देनी है ये और इंपॉर्टेंट है परीटो प्रिंसिपल अगेन ट्रेनिंग तो बहुत सारी है बहुत कुछ सिखा सकते हैं टीम पर टीम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिखाना वो है रिक्रूटमेंट के ऊपर ट्रेनिंग अब रिक्रूटमेंट के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती है prospecting invitation presentation ऑब्जेक्शन handling closing आप जब लोगों को स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग दोगे दोगे और उन्हें रिक्रूटमेंट करना सिखा होगा क्या आप देखोगे कि लोगों ने काम करना शुरू कर दिया जिन लोगों को आप आलसी समझते थे ना वही आपके लिए इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बन जाएंगे अब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है या कंपनी में तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है हमारे लोगों को तो सब कुछ आता है तो मैं आज आपको एक चैलेंज दे रहा होंगे आप लिख लो

अब उन्हें बोलना जरा इनवाइट कर अपने दोस्त को हमारे नेक्स्ट वेबिनार या सेमिनार के लिए अपने सामने कराना आपको समझ आएगा कि लोगों के अंदर स्किल्स की इतनी ज्यादा कमी है अब लोगों को बोलना चल भाई अब हम बैठ गए सामने आप अपने फ्रेंड के घर पे चले गए प्रेजेंटेशन दे प्रेजेंटेशन दो मुझे कि किस तरीके से आप मुझे ज्वाइन कराओगे आप देखोगे कि लोगों को ना जो लगता है कि हम कर लेंगे और आपको भी लगता है आपके आपके गाउनमेंट को आता है पर उसे नहीं आता और आपको कब पता लगेगा जब टेस्ट आप टेस्ट लोगे आप टेस्ट लोगे तो देखो चैलेंज है मेरी तरफ से आपको कि आप अपनी टीम का ना छोटा सा टेस्ट लो उनकी स्किल्स का टेस्ट लो चार ऑब्जेक्शन रख दो उनके सामने भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं ज्वाइन कर सकता सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं एंड जब जवाब आपको लगेगा यार ये तो सेटिस जवाब ही नहीं है ये क्या कर रहा है आपको समझ आ जाएगा कि आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा और सामने वाले का चेक क्यों नहीं आ रहा क्योंकि कमी जहां पे है ना वो आपको समझ आने लग जाएगा उस कमी को आइडेंटिफाई करना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो, well, और जल्दी चलने के लिए पहले आपको सिखाना जरूरी है। अब पाकिंसन लॉ क्या कहता है अभी मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मैंने देखा मेरे पास जो टाइमिंग है ना वो फोर्टी फाइव मिनट्स की है आपको फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है और आप देख रहे हो बाकी है स्क्रीन पर आप देख सकते हो तो पैंतालीस मिनट में मुझे आपको इतना कुछ तो सिखाना है अब पैंतालीस मिनट में ट्रेनिंग खत्म भी हो जाएगी मैं आपको यह भी बता रहा हूं क्यों होगी जरा नीचे पढ़ो वर्क टू फिल द टाइम अलॉटेड जो काम है वो अपने आप बढ़ जाता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक वक्त खत्म नहीं होता अगर मैंने यह सोच लिया कि मान लो आपके घर में एक शादी है और वो शादी है 30 अप्रैल की तो थर्टीथ अप्रैल की अगर शादी है तो वो उनतीस को भी नहीं होगी और वो इकतीस को भी नहीं होगी और आप देखोगे क्या कि तीस तारीख तक काम खत्म नहीं होंगे और सबसे जरूरी काम तो उनतीस तारीख को ही आपके सामने आएंगे कि यार ये भी नहीं हुआ अभी वो भी नहीं हुआ अरे वो ड्राई क्लीन से हमारी शेरवानी नहीं आई और उनके यहाँ यार फ्रूट्स नहीं पहुंचे अरे वो गिफ्ट आने वो कहां से आएंगे वो सब कुछ आपको तब समझ आएगा जब एक्चुअल में नेक्स्ट डे इवेंट होगा अब नेटवर्क मार्केटिंग में पाकिनसन लॉ कैसे काम करता है इसे समझो आपने भाई साहब जो टारगेट दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे तो जी इस पोजीशन पे आने में मान लेते आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर लेवल है या कोई मैनेजर लेवल है मुझे नहीं पता कौन सा लेवल है मान लीजिए डायरेक्टर लेवल है तो डायरेक्टर लेवल पे आपने सोचा आने पे मुझे छह महीने लगेंगे छह महीने में मैं डायरेक्टर लेवल पर पहुंचा बहुत बढ़िया रहेगा मैं आपको लिख कर दे सकता हूं गारंटेड कि जितना टाइम सोचोगे उतना ही लगेगा छह महीने सोचा तो छह महीने से पहले आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते यूनिवर्स उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा आपको अगर अच्छे लोग मिलने भी होंगे ना तो स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे आपको बाद में ही मिलेंगे जो आपके डलने हैं ना में वो अभी नहीं डलेंगे वो बाद में डलेंगे क्योंकि जो सोचा उसके हिसाब से काम होगा नाउ वड यू कैन डू यहाँ मेनिकुलेट करते हैं चीजों को अपने दिमाग को ना थोड़ा सा स्क्रू को टाइट कर लेते हैं आपने अगर सोचा छह महीने लगेंगे तो एक काम करते हैं जरा आपके डेडलाइन को हाफ कर महीने में, में करना है अच्छा अगर गलती से भी दिमाग में सोचा नहीं यार तीन महीने में नहीं भी हुआ चलो पांच महीने में हो गया तो फिर पांच में ही होगा अगर किसी ने सोचा ये लेवल छह महीने में नहीं भी हुआ साल में भी हो गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर सोच भी लिया और थॉट भी चला गया तो होगा तभी जो सोचा है उससे पहले नहीं हो सकता उससे पहले नहीं हो सकता तो होगा कब जब आप सोच लोगे एग्जाम्पल देता हूँ अगर एक इंसान का कल एग्जाम है तो अगर उसे ये उसने सोच लिया ना कि मेरा नौ बजे एग्जाम है तो आप देखोगे एट फिफ्टी नाइन तक भी वो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहेगा और वो जो में एक्चुअल एग्जाम में काम की आने वाली चीजें है ना वो अगली सुबह ही पड़ेगा और रात तक नहीं फिनिश करके रहेगा क्योंकि उसने टारगेट क्या लिया अगली सुबह एग्जाम है नौ बजे एग्जाम है तो मैं उससे पहले जितना पढ़ सकता हूं मैं पढ़ लेता वो अगर ये सोच लेता कि मैं एक दिन पहले 6 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ लूंगा उसके बाद मैं किताब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो 6 बजे तक वो सब कुछ पढ़ जाएगा जो उसे पढ़ना होगा अगले आठ पचपन तक या जब तक नौ बज रहे क्योंकि उसने दिमाग में सोच लिया पाकिस लॉ कहता है जो टाइम आपने डिसाइड कर लिया उतना ही लगेगा उससे कम नहीं लगेगा तो भाई ये लॉ है अब आप सोच लो सर अगर हमने अपने डेड लाइन को अपने टाइम लाइन को हाफ कर दिया कट कर दिया तो क्या होगा हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा हम प्रेशर में काम नहीं कर सकते बट मैं आपको बता दूं आपको अगर ऐसा लगता है प्रेशर में काम नहीं कर सकते तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता राहुल ड्रेविड का इंटरव्यू हुआ और उनसे बोला गया कि आप यार खड़े हो जाते थे सामने वाला बॉलर बॉलिंग कराता रहता था कराता रहता था बट आपको फर्क नहीं पड़ता था ऐसा क्यों उन्होंने बोला मेरा दिमाग ना प्रेशर में और अच्छा काम करना शुरू कर देता मुझे बॉल ना छोटी सी क्रिकेट बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लग जाती थी क्योंकि मेरा दिमाग जब प्रेशर ले लेता था, था ना कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम का क्या होगा और मुझे यहां से रन बनाने हैं मुझे डिफेंड करना है टेस्ट मैच में तो फिर मैं प्रेशर लेके काम करता था और कुछ लोग अंडर प्रेशर आके एक्चुअल में अपने कहते हैं ना अपनी आउटपुट को बढ़ा देते हैं प्रेशर में आके मैं, मैंने पे कोर्ट लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो हमारा जो माइंड है प्रेशर में आके सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि हमारा माइंड बना ही ऐसे आपने देखी थी अगर आपने देखी थी तो पानी जब भरने लग गया तो चाबी जब नीचे गिर गई है ना तो ढूंढनी है क्योंकि डू एंड वाली सिचुएशन है नहीं ढूंढी और ताले में नहीं फिट करी तो मर जाएंगे अगर मर जाएंगे तो हमारा दिमाग सोल्यूशन ढूंढेगा अगर चाबी नहीं मिल रही तो भैया कहीं से भी कुल्हाड़ी लाओ या क्या लाओ जंजीर को तोड़ना है क्योंकि जान बचानी है Do and die, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में हमारा दिमाग जैसा चलता है ना वैसा कभी नॉर्मल कंफर्ट जोन में चल ही नहीं सकता क्योंकि डिजाइन ही ऐसा हुआ है शेर सामने से खाने के लिए अगर आने वाला है तो जब हम आदिवासी थे तो हमारा दिमाग अपने आप सोल्यूशन ढूंढता था कि इस टाइम पर क्या किया जाए एक्सट्रीम सिचुएशन में पर अब हमें क्या चाहिए मौज वाली जिंदगी चाहिए हमें तो कंफर्ट चाहिए प्रेशर नहीं चाहिए यार पर प्रेशर तो लेना पड़ेगा क्योंकि डायमंड प्रेशर में ही प्रोड्यूस होते हैं जहां पे प्रेशर नहीं होता ना वहां पे कोयला होता है तो आपको काला कोयला बनना है जिससे सब दूर रहना चाहते हैं ऐसे सफेद कपड़ों पे काले निशान आ जाता है या फिर आपको डायमंड बनना है जिसे लोग हाथ में पहनते हैं और आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी जब आप प्रेशर में काम करना सीखोगे सो डू दैट ना लगाओ अपने को करो अब देखो मेरे को करना को के हिसाब से काम कर रहे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है बी विद बिग माइंड्स बड़े लोगों के साथ रहो बड़े लोगों का मतलब क्या है जिनकी सोच बड़ी है मैंने अगेन यहाँ पे कोट लिखा है कि हमारा दिमाग स्क्वीज हो जाता है सिकुड़ जाता है ऐसे लोगों के साथ रह के जो छोटा सोचते हैं और ये एक्सपैंड हो जाता है ऐसे लोगों के के साथ रह के जो बड़ा सोचते हैं अगेन ऑस्मोसिस तो मैंने आपको बताया है बट यहां पे ये कोटेशन आप पढ़ सकते हैं यू आर दी एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद आप ऐसे पांच लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप रहते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हो आप एक काम करो आप जरा ना एक पेन और पेड पे लिखो आप किन पांच लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हो और फिर उनकी इनकम लिख दो किसी की सैलरी अगर अगर रहा रहा है है किसी किसी का चेक अगर रहा है, क्या किसी का चेक आ आप आपकी, आपकी इनकम उसके आसपास ही होगी ऐसा क्यों क्योंकि again, कि हम वैसे बन जाते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं और जब तक आप अपना सर्कल चेंज नहीं करते आप बढ़ नहीं सकते आज आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो मेरे थॉट मेरे मेरी साइकोलॉजी मेरी, मेरी एनर्जी मेरे इमोशन आप में ट्रांसफर हो रहे हैं आपकी एवरेज इफेक्ट हो जाएगी एंड अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो नेगेटिव सोचते हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं उगाड़ा आप बिल्कुल उनके जैसे बनना शुरू कर दोगे सो वट यू वॉन्ट टू डू एंड वट यू वॉन्ट टू अचीव इट इज टोटली इन योर हैंड आपके हाथों में आपको क्या चाहिए तो मेरी सजेशन मानो तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो बड़ा सोचते हैं अब बड़ा सोचने वाले लोगों के साथ अगर रहना चाहते हो आप अपने अप्लाइंस को देखो जो बड़ा सोचते हैं चेक्स बड़े आ रहे हैं आपके चेक्स बड़े आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि तो आप उनके होक्शन को कॉपी करना शुरू कर दोगे एंड दिस इज वेरी वेरी असेंशियल नेक्स्ट माइंड मैपिंग मैंने बोला था आपको कि मैं माइंड मैपिंग के ऊपर बात करूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान को कामयाब होना है तो उसे अपने माइंड को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है उसे मैप करना बहुत जरूरी है आप आजकल गूगल मैप को यूज करते हो ना कहीं भी जाना होता है डायरेक्शन मिल जाती है अदरवाइज़ अगर आप मैप कि किसी भी एरिया का सवाल किया गया कि इस पूरी दुनिया में सबसे तेज क्या है सबसे तेज क्या है वट इज थिंग इन द वर्ल्ड तो उसने जवाब दिया हमारा मन हमारा माइंड आप एक सेकेंड के फ्रैक्शन के अंदर अपने दिमाग को चांद पर लेकर जा सकते हो चांद पर अगर आप अभी इमेजिन करें आप इमेजिन करो आप चांद पर आप पहुंच गए चांद पर अगर आप सूरज को इमेजिन करना चाहते हो इमेजिन करो सूरज कितना गर्म है आप जाओ सूरज तक आपका माइंड पहुंच जाएगा और इस अगर आप इस सोलर सिस्टम से भी बाहर निकलना चाहते हो तो अपने दिमाग को आप डायरेक्शन दो वो पहुंच जाएगा तो दिमाग बहुत तेज है और जब दिमाग इतना तेज भागता है तो इसे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है ये कहीं पर भी भाग सकता है आप मूवीज देखते हो आपका दिमाग कहीं और चला जाता है क्योंकि आपको जैसे सिग्नल्स मिलते हैं ना उसके हिसाब से आपका माइंड काम करता है आज ये ट्रेनिंग ले रहे हो आपका दिमाग अलग सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है आपने कभी एफएम चलाया एफएम गाड़ी में एफएम होता है आप 93.5 लगाओगे तो 93.5 पे जो गाना बज रहा है वही बजेगा नाइनटी वाला नहीं बजेगा क्यों क्योंकि वहां पे ट्यून हो गया आपका दिमाग भी ट्यून होता है और इसे ट्यून करने को ही माइंड मैपिंग बोलते हैं अब आप माइंड मैपिंग कैसे कर सकते हो इसे सीखते हैं माइंड मैपिंग के लिए मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो अगेन मैं आपको बताने वाला हूँ आपको दिखाया भी था मुझे लगता है इस पैड और पेन के साथ बैठने सुबह सुबह जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ तो अभी मैं दिखाता हूँ इसमें देखो कितनी सारी शीट अभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखी हुई है पर इससे पहले देखो ये भरी हुई शीट्स मिलेंगी आपको सर आपको सारी भरी हुई शीट्स मिलेंगी क्योंकि मैं माइंड मैपिंग को आज से नहीं कर रहा ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैं कामयाबी के लिए पागल था ये देखो पीछे तक भरी हुई अलग अलग शीट्स पे पहले ही काम हुआ हुआ है ये क्यों हुआ हुआ है क्योंकि मुझे माइंड मैपिंग करना बहुत जरूरी लगता है अपना दिन मैं तब तक शुरू करना चाहता ही नहीं हूं जब तक मैंने उसे डायरेक्शन नहीं मैंने यहाँ पे लिखा था कि अपने दिमाग को आप डायरेक्शन देना शुरू करो और आपका दिमाग आपको डायरेक्शन देगा का कामयाबी के लिए सो so अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपना दिन शुरू करने से पहले पंद्रह मिनट के लिए एक ब्लैंक पेपर के साथ बैठ जाना और आपका ब्लैंक पेपर आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा क्योंकि जब आप अपने दिमाग को डायरेक्शन दोगे आपको आज क्या करना है किन किन लोगों से बात करनी है किन किन लोगों से आपको आज मिलना है आज आपको क्या कहाँ पे जाना है कहाँ पे आपको अपना टाइम एलोकेट करना है अगर आपको एक्सरसाइज करनी है कब करनी है अगर आपको किसी वेबिनार को अटेंड करना है कब करना है अपने टाइम को आप मैनेज करना शुरू कर दोगे अपने दिन को मैनेज करना शुरू कर दोगे और माइंड को डायरेक्शन दोगे ये करना है तो होगा क्या आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाना है अभी नेक्स्ट इज स्ले नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा कोई बॉस नहीं होता इसके फायदे भी है नुकसान भी फायदे आपको लगता है अरे कोई बताने वाला नहीं है कोई प्रेशर करने वाला नहीं है पर आपको पता है आपको प्रेशर करने वाला चाहिए भी तो पता है आपको दिमाग को प्रेशर चाहिए तो मैं आपको बोलता हूं ये प्रिंसिपल आपको दे रहा हूं स्लेव हूँ अपने आप को अपना गुलाम बना लो आपके अपलाइन का नहीं अपना आपको पता है आप बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हो आपको पता ही है ये चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बट आपको ना कंफर्ट चाहिए नहीं आपको ना अपने ऊपर टॉर्चर करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि अगर आप अपने आप की चाबी को टाइट नहीं करोगे ना अपने पीछे से अपने आप को धकेलोगे नहीं प्रेशर नहीं मारोगे आप कौन हो हु आर यू आपके ये बॉडी हो नो यू आर अंदर बैठे हुए हो आपको शरीर को ना बिल्कुल भी आराम नहीं देना ये शरीर आराम के लिए बना ही नहीं आप बताओ एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा एग्जॉशन फील होता होगा पर आपकी बॉडी तभी बनती है क्यों बनती है क्योंकि आपका शरीर ना आराम करने के लिए ना आराम करके तो लोग मोटे हो जाते हैं मोटे हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बी बढ़ जाएगा हार्ट अटैक हो जाएगा मर जाएगा इंसान बट अगर आप मेहनत करते हो प्रेशर लेते हो तो आपकी फिजिक बनती है तो आप समझ आना चाहिए आपका जो शरीर है ना ये मेहनत करने के लिए ही बना है और जब तक मिट्टी में जाके नहीं मिल रहे ना तब तक मेहनत करनी है बट मेहनत करने के लिए डायरेक्शन आपको अपने आप को देना है क्यूट साले काम कर क्योंकि तुम आराम करने के लिए नहीं बने हो अगर आप जब भी आराम कर रहे हो आपको मन कर रहा है मैं ना टीवी देखूंगा आपको मन कर रहा है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा आपका मन कर रहा है मैं ना आइसक्रीम खाऊंगा तो अपने आप को बोलो कि तू करके आ रहा है आप बॉस हो आप इस शरीर के आप बॉस हो जो करवाना चाहते हो वो कर सकते हो अगर आप अपने आप को डायरेक्शन दो कि भाई उठ फोन उठा और प्रोस्पेक्ट करना शुरू कर उठ फोन उठा लोगों को यहां पे इस फोन के थ्रू गाइड करना शुरू कर उठाओ फोन और उसके बाद लोगों को डायरेक्शन देना शुरू करो आप फॉलोअप करना शुरू करो और सिर्फ इस फोन उठाने से इतने सारे काम हो सकते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए इस फोन उठाने से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो अगेन आपको अपने आप को बोलना है

क्रूर इंसान अपने लिए क्योंकि अपने आप को जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे आप ग्रो नहीं करोगे इसीलिए no मतलब कल पर डालना चीजों को जब हम कल पर डालना शुरू करते हैं कल उससे जाके पक्का मिलूंगा वो कल कभी नहीं आता आज मुझे आज भी याद है जब मैं एक्टिवली काम करता था इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुबह सुबह मैं घर से निकलता था और सुबह घर से निकलने में मेरा कुछ मॉर्निंग रूटीन था नेटवर्क मार्केटिंग तो जनरली दोपहर के बाद ही शुरू होती है मान लो ग्यारह बारह बजे के बाद उस ग्यारह बजे से रात के ग्यारह बजे मैं घर पे आता और वो ग्यारह के बारह बजे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूर जा रहे हैं किसी को दूर दराज में प्रेजेंटेशन देकर आ रहे हैं बहुत मजा आता था क्योंकि मैं उसे इंजॉय करता था क्योंकि मुझे लगता था कि हर दिन मुझे ग्रो करना है बिकॉज इफ आई एम नॉट डूंगट का मतलब होता है चीजों को टालना आप आज से टालना बंद करो इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में ट्रेनिंग कर सकते हैं बट मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हमारी विल पावर जो है ना उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि विल पावर एक मसल होती है अभी तक अगर आपको नहीं पता था ये तो मैं बता देता हूं और विल पावर

आपके पास दो होते हैं या तो आप, स्नूस कर सकते आप पर सकते का मतलब है कल पर डालते हो कि मैं कल करूंगा आपकी विल पावर वीक होती है और आप अंदर से गिल्टी फील करते हो और ये गिल्ट की फीलिंग आपको फिर पीछे खींचती है विल पावर को बढ़ाने का एक ही तरीका है अभी जब सुबह उठना है ब्लैंकेट को उठा के फेंक दो

एक इंसान अगर सीखना बंद कर देता है तो वो जीतना बंद कर देता है अगर एक इंसान अपने आप को ग्रो नहीं करेगा तो वो पीछे जाएगा जिस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा आप ये मत समझना वही के वही हो आप एक स्टेप पीछे जा चुके हो एक सीढ़ी पीछे उतर चुके हो अगर आपने एक सीढ़ी आज चढ़ी नहीं है तो लाइफ ऐसे ही काम करती है रोज अपने आप को बेहतर बनाना जरूरी है और उसके लिए अगर आज इस वेबिनार के बाद भी असर नहीं आया ना तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपको आज भी ये नहीं समझ आया कि मुझे रोज अपने आपको अपग्रेड करना है तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता और जो आपने सीखा अगर आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया तो तो ए, एक मैं आपको बात बता रहा हूं अगर आप ये वेबिनार देख रहे हो और इसके बाद भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो आज आप सीख रहे हो तो एक तो आप मेरी नॉलेज का अपना अपमान कर रहे हो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस नॉलेज की जो आपको आज मिल रही है दूसरी चीज नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर उसे यूज ना किया जाए तो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो अगर आपको इसे इंप्लीमेंट नहीं करना तो अभी इस वेबिनार को बंद कर दो अगर इंप्लीमेंट करना है तो अपने आप से कमिटमेंट लेकर आओ कि मुझे रोज ग्रो करना है रोज कुछ नया सीखना है और उसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी क्योंकि इंसान जो है अपनी आदतों का गुलाम है तो जब मैं बात कर करूँ ना स्लेव योर सेल्फ योर सेल्फ में योर हैबिट्स है आप अपनी आदतों के गुलाम हो यार आपकी जो आदतें आप लेट उठते हो उसके गुलाम हो आप आप गंदा खाना खाते हो आप ऑयली फूड खाते हो आपको पूड़ियां छोले भटूरे खाना पसंद है ये पसंद होना आपकी आदत है तो आप अपनी आदतों के गुलाम हो इन आदतों को आपको चेंज करना पड़ेगा अगर वो सही नहीं है तो इसे कॉन्शियसली करना पड़ता है पहले लिखना पड़ेगा आपको एक पैड पे कि आपकी गलत आदतें क्या आज लिखो कि आपकी गलत आदतें क्या है और उन्हें सही करने पे काम करो और जो आप सीखते जा रहे हो उसे इंप्लीमेंट करते जाओ यू विल सी द रिजल्ट फाइनली वेन वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सी आज का जो ये ट्रेनिंग है ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है और रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के ऊपर है और रिक्रूटमेंट को अगर आपको बढ़ाना है

डिजिटल नेटवर्क के चेक्स को देखकर हैरान होने वाले वो शौक होने वाले हैं कि इनके चेक्स आ कैसे रहे हैं हमें तो हो गए जी पंद्रह साल बट आज के बीस साल के बाईस साल के पच्चीस साल के या नए लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके चेक्स इतने आ कैसे रहे हैं हमें तो इतना एक्सपीरियंस है भाई वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है अगर आपने अपने आपको अपग्रेड नहीं किया आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा बिकॉज देर इज ओनली वन इज आई रिपीट दिस इज ओनली वन थिंग दैट इज परमानेंट इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है जो परमानेंट है एंड दैट इज द चेंज बदलाव ही परमानेंट है बदलाव आता रहेगा और अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो बदलाव आया ना वही आया है लोग ऑनलाइन चले गए सोशल मीडिया पे चले गए डिजिटल हो गए हैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना ही पड़ेगा देर इज नो अदर ऑप्शन अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है इसमें बहुत सारी चीजें हैं बट एक आज की ट्रेनिंग के लिए आपको एक गुरु मंत्र मैं देता हूं एंड दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग लोगों के पीछे पड़ना बंद करो चेप होना बंद करो जो फॉलो अप है ना वो तब करना है उसका भी तरीका है वो इस तरीके से चेप नहीं होना कि हम पीछे पड़ इंसान के जब नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आया था तो मैंने एक ट्रेनर से बात सुनी कि फॉलो अप करते रहो करते रहो करते रहो बहुत जरूरी है बट वो फॉलो अप करते करते ना चेप हो जाते थे और वहां पे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी कि फॉलो अप तब तक करो जब तक सामने वाला पुलिस ना बोला लो फॉलो अप करना जरूरी है और फॉलो अप हमें रेगुलर करना भी चाहिए बट वो ना चिपकना सही नहीं उससे आपकी इमेज बेकार हो जाती है लोगों को लगता है यार तो चेपू होते हैं हैं पीछे बट बड़ आप जरा समझिए अगर आज मान लीजिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करता हूँ दोबारा तो मैं क्या करूंगा पहले अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है बट मैं फिर भी बोलता हूँ मैं क्या करूंगा क्या मैं लोगों के पीछे नो मैं इस स्ट्रैटेजी को जो गुरु मंत्र दे रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ पीपल attract. Attract मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे चाहिए। और करने का तरीका क्या है उसे समझिएट बनना पड़ेगा और खासकर सोशल मीडिया पे. ये अट्रैक्शन मार्केटिंग को मैं आज से यूज नहीं कर रहा मैंने लोगों को सिखाया है लोग आज कर रहे हैं और अब करना शुरू किया जो मैं सात साल पहले करता हूं। क्या करना शुरू किया जब मैं गाड़ी में जाता था लोगों को मीटिंग से मैंने ना अपनी गाड़ी में एक स्टैंड बनाया हुआ था फोन रखने का ये फ्रंट कैमरे को ऑन करता था वो बोलना शुरू करता जो नॉलेज मुझे रोज मिलती थी मैं लोगों को सिखाना शुरू करता लोग उस नॉलेज को यूज करके अपनी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे लोगों को बड़ा अच्छा लगता था इसके साथ साथ जो भी लाइफ स्टाइल मैं जी रहा था भाई मैंने कोई यूरोप का ट्रूर अचीव किया मैंने उसे दबा के प्रमोट किया सोशल मीडिया पर प्रमोट किया उसे हुआ क्या लोगों ने मुझे देखा और पूछा भाई क्या कर रहे हो भाई यही तो मैं चाहता था तुम मुझसे पूछो मैं किसी सेमिनार में जाता था जब मैं बिल्कुल नया था मेरे चेक्स नहीं भी थे तो मैं उस सेमिनार की रिकॉर्डिंग जो अच्छी अच्छी बातें थी वो इंटरनेट पर डाल देता था, था अब लोग बोलते थे यार ये इंसान जो डालता है ये जरूर कुछ अच्छी संगत में है कुछ अच्छी बातें कर रहा है और ये हमें भी कामयाब बना सकता है अगर मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाता था तो वहां पे कुछ नहीं उस फूड की फोटो लेकर डाल देता क्योंकि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी इनफैक्ट लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं

ऐसा ना देखे कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट बेचना चाहते अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के या पोस्टर डाल हैं, तो सामने वाले को लगेगा क्या बहुत अच्छा जी रहे हो क्योंकि लोग ना हर चीज के लिए बना लेते हैं लोगों को लगता है है प्रोडक्ट फिर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा लोगों ने जैसे लोगों को देखा होता है ना अपने आसपास वो आपको भी वैसे रिलेट करेंगे बट आपको अलग बनना है अट्रैक्शन मार्केटिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको फोकस करना मैं शब्द दे रहा हूँ शब्द का नाम है लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल दिखाना है जो इंसान देखता है सोचता है समझता है कि जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो ये है और हमें सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा लाइफ जीना है उसे आप अचीव करना शुरू करो दिखाना शुरू करो मान लो आप रोज फाइव स्टार्स में नहीं जाते बट महीने में अगर एक बार जाते हो तो वो एक बार को मिस नहीं करना उसे सोशल मीडिया पे दिखाओ बिकॉज आप उसे जी रहे हो ना आप आप रियलिटी में वहां पे थे ना तो आप उसे दिखाओ आप किसी अच्छी गाड़ी में बैठते हो मान लो आज आप जैगवार चलाते हो अपने अपलाइन की सही भाई सब वीडियो बना के डालो बिकॉज पीपलथिंग और शब्द सिखा देता हूँ यहाँ पे चलो एक बोनस दे देता हूँ करने के लिए चाहिए attention. Attention अगर लोगों ने आप पे गौर करना बंद कर दिया तो आपके चेक नहीं बढ़ेंगे मेरे पास आज की डेट में मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग में या अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ लोग बोलते हैं यार हम ना डिजिटल मार्केटिंग को सीख नहीं सकते हमें ये सब आता नहीं है हम नहीं कर पाएंगे फिर कुछ टाइम के बाद वो आते हैं हमें जरूरत तो है यार पर ये सब सीखा कैसे है? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं कैसे होगा सब कुछ तब मैं उन्हें बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं चलिए लेट स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कंप्लीट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग सिखाने से पहले एक छोटा सा काम देता हूँ वो ये है कि अगले तीस दिन के लिए आपको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना इतना छोटा सा काम पर लोग नहीं करते पर लोग देखते हैं अगर आप एक नेटवर्क करो आप पांच साल से तो आपने कितने लोगों को अपना नंबर सेव कराया है और आपके फोन में कितने लोगों का नंबर है बहुत सारे तो जब आप कोई स्टेटस लगाओगे तो कितने लोग देखेंगे वही बहुत सारे लोग देखेंगे और जब वो आपको अटेंशन देंगे तो कोई ना कोई इंसान आपको किसी ना किसी दिन बोल देगा अरे आप तब किसी बिजनेस के बारे में बता रहे थे तब आप कुछ बता रहे थे तो जब आप तब कुछ बता रहे थे तो आप अभी भी कुछ बता सकते हो ना तो आपके पास लीड आनी शुरू हो जाएंगे यू विल हम करते रहेंगे इनफैक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी और रिक्रूटमेंट मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है तो इनके ऊपर हम लगातार ट्रेनिंग करते रहेंगे बिकॉज सक्सेस इज डेस्टिनेशन एक जगह पे पहुंच के सक्सेस बंद नहीं हो जाती वो चलती रहती है है तो आज आपने जो ट्रेनिंग ली है, ये भी खत्म नहीं हो रही मैं आपको ये बोलना चाहता हूं एंड हम लगातार आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग देते रहेंगे सी, आज आपकी कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया कि आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाए अगर आपको इस ट्रेनिंग से रिजल्ट्स आएंगे तो आपकी कंपनी को अंदर से लगेगा कि हमें ऐसी लगातार करानी चाहिए। अगर आपके रिजल्ट्स आएंगे तो ऐसी तो टाइम दिया और आपने जो मैंने चीजें सिखाई या बताई उस पर काम नहीं किया बट मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी के जो लोग जो आज इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं कुछ अलग है यहां पे मैं पढ़ रहा था लोगों के नाम लिखे हुए थे अनस्टॉपेबल्स हमें कोई रोक नहीं सकता वी आर अनस्टॉपेबल्स बल दिस इज वट आई वॉन्ट सो लेट मी गिव यू एन एफरमेशन मैं आपको एक एफरमेशन देना चाहूंगा और इसे अपने आप से रोज दोहराना जब आप इस एफरमेशन को रोज दोहराओगे तो आपको लगेगा कि आई एम एन अनस्टॉपेबल मैंटॉपेबल पर्सन हूँ सो आप मेरे साथ जहां पर भी आप बैठे हो इसे रिपीट कर सकते हो अपने घर से रिपीट करो सो so आप मेरे साथ बस दोहराना जो मैं बोल रहा हूं आप बोलिए थैंक्स गॉड क्टर में तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्रीज आई एसओ नौ हजार एक दो हजार पंद्रह कीवा इंडस्ट्रीज जिन्होंने पर्सनल केयर होम केयर वेलनेस ब्यूटी फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर जैसी कैटेगरीज में पांच सौ ऐसी भी ज्यादा प्रोडक्ट पेश किए हैं इन प्रोडक्ट्स में शामिल है सप्लीमेंट कैप्सूल्स पाउडर जूसेस ड्रॉप्स हेयर केयर शैम्पू ऑयल, क्रीम ओरल केयर प्रोडक्ट्स खेती में काम आने वाले उत्पाद पशुओं के लिए प्रोडक्ट्स और ढेर सारे कई उपयोगी उत्पाद खास बात ये भी है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल यानी आयुर्वेदिक हैं, जिनमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का उपयोग नहीं किया गया है कीवा इंडस्ट्रीज एक वैध कंपनी है जो भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग मानकों का पूरी तरह से पालन करती है कीवा इंडस्ट्रीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे सर्टिफिकेट्स और पुरस्कारों से नवाजा गया है कीवा इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने साथ जुड़ने का मौका दिया है तो आइए आप भी इस भरोसेमंद ब्रांड का हिस्सा बनिए कीवा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़िए